लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना वायरस से लड़ने भोपाल रेल मंडल में 241 बेड का चलता फिरता अस्पताल तैयार हो गया है। यानी ट्रेन के कोच में मोबाइल आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिनका कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। ये वार्ड ट्रेनों के एसी और जनरल कोचों में बनाए हैं। कोच में बेड के अलावा एक डॉक्टर, पैरामेडिकल कक्ष और एक दवा कक्ष है। ये आवश्यकता के अनुसार ट्रेन के साथ या अलग से चलाए जाएंगे, इसलिए इनका नाम मोबाइल आइसोलेशन वार्ड रखा है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद यात्री ट्रेन में यदि कोई संक्रमित मिलता है तो उसे मोबाइल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। फिलहाल भोपाल इटारसी बिना गुना में उपयोग करने के लिए तैयार किए हैं। 10 कोच में भोपाल कोचिंग डिपो और 23 कोच में निषादपुरा रेलवे फैक्ट्री द्वारा आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। भोपाल रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे में आता है। इसका जोन मुख्यालय जबलपुर में है। मंडल मुख्यालय के भोपाल कोचिंग डिपो में 24 कोच और निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री में 47 कोच के अंदर मोबाइल आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। रविवार शाम तक भोपाल कोचिंग डिपो ने 10 और कोच फैक्ट्री ने 23 कोच में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं। कोचिंग डिपो एक कोच में 8 और फैक्ट्री द्वारा एक कोच में 7 बेड तैयार किए गए हैं। इस तरह 33 कोच में 241 बेड का चलता फिरता अस्पताल तैयार हो चुका है। 37 कोच में वार्ड बनाने का काम चल रहा है। इनमें से 13 कोच में भोपाल कोचिंग डिपो और 24 में कोच फैक्ट्री द्वारा आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।